एस्केप वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है? अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी कैपिटल एम मास को लें और उसको उठा के ऊपर फेंक दें और वो इतनी ऊपर जाए कि ग्रेविटेशनल पुल को ही ओवरकम करता हुआ पता नहीं कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, तो समझ लेना आपने कौन सी वेलोसिटी दी पार्टिकल को, एस्केप वेलोसिटी। सिंपल है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मैं उल्टा काम करूं, मैं इन्फिनिटी पे जाऊं और वहां से मास को पकड़ के सरफेस ऑफ अर्थ पे रखूं, तो मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने ये पूछा, उल्टा पूछ रहा हूं मैं, अगर ये मास एम है और ये रेडियस कैपिटल आर है, इन्फिनिटी पे स्मॉल एम को उठा के यहां पे रखना चाहता हूं, तो मेरा वर्क डन पता है कितना आएगा? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चलो उल्टा काम करता हूँ, मैं इस मास को यहाँ से पकड़ता हूँ, इस बार इन्फिनिटी पे छोड़ता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आएगा बोलो? प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाय, सिंपल है, उल्टा काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेके आना है तो नेगेटिव, छोड़ के आना है तो पॉजिटिव, क्लियर है? तो मैं वही करने वाला हूँ। कैसे? वही सेम डेरिवेशन है जो आपने पोटेंशियल एनर्जी की थी, जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के आ रहे हैं टिल इन्फिनिटी, और क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, एक्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो वेरिएबल फोर्स है ये रही, लेकिन लिमिट क्या लगेगी? एक्स कैपिटल आर सरफेस से, कैपिटल आर से कहाँ पर? इन्फिनिटी। कैपिटल आर पे वर्क डन कुछ भी नहीं था, और इन्फिनिटी पे जाने का वर्क डन डब्ल्यू है। आप इसे इंटीग्रेट करें, एक्स की पावर माइनस टू के इंटीग्रेशन, एक्स की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस बाहर आ गया, एक्स की पावर माइनस वन का मतलब वन बाय एक्स, एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट, वन बाय इन्फिनिटी जीरो है, ये आंसर आ गया, पता ही था लिमिट उल्टी करेंगे तो माइनस की जगह प्लस ही आएगा। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कैसे करेंगे? इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट जिसको फेंका जा रहा है उसका मास छोटा एम है, तो उसको हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये एनर्जी अगर इसके इक्वल है तो मास आर से इन्फिनिटी पे चला जाएगा, छोटे मास से छोटा मास कैंसिल, जो फॉर्मूला आया वो एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जहां लिखना लिख लो, बहुत यूज होने वाला है फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टू जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट। अगेन ऑर्बिटल और एस्केप के अंदर दो का अंतर है, ऑर्बिटल में टू नहीं आता, चेक करो, इसमें टू आता है, अंडर रूट टू का फर्क है, राइट? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं जी एम और आर की वैल्यू को पुट करूं तो मेरे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये 11.2 की वैल्यू बहुत खास है, न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा, बार बार 11.2 करता रहेगा तो आपको याद करनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर तक ट्रैवल करवा सकते हैं, बहुत होते हैं, 11.2 किलोमीटर है एक सेकंड में, खतरनाक स्पीड है, और चलते ही रहे ऐसे, बस फिर तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर ही जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है। एक बड़ा खास क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत आता है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? अभी तो सीधा गए हैं ना, एंगल पे क्या होगी? सेम है, सेम है, तुम कहीं भी यूनिवर्स में छोड़ाओ कोई फर्क ना पड़ता, जो आप जो एनर्जी कंजर्वेटिव है वैसे भी, तो इसमें कुछ नहीं करना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा इसमें आता ही नहीं है, तुम कैसे भी कराना कोई फर्क ना पड़ेगा, तो इसलिए याद रखना 11.2 ही रहेगी। अगर जब तक तुम रेडियस और मास नहीं चेंज कर रहे अर्थ का, तब तक कुछ भी चेंज हो जाए ये चेंज ही नहीं होगी।